हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारे फ्रॉम द पार्लियामेंट सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले के तीन वीडियोज आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पार्लियामेंट में पेश हुए बिल और वो बिल जब कानून बन जाते हैं तो उसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि ये बिल हम आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करेगा और हमारे किन समस्याओं का समाधान इस बिल से हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बिल से। आज का बिल है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017। ये लोकसभा में इसी मानसून सत्र में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेगा और एक नया कमीशन बनाएगा जो होगा नेशनल मेडिकल कमीशन। आइए देखते हैं इस बिल को और डिटेल में कि आखिर इस बिल में क्या क्या है। द बिल इज एम एट ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन सेक्टर ऑफ कंट्री विच हैज बीन अंडर स्क्रूटनी ऑफ करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ऐसा माना जाता है कि जो भारत में मेडिकल एजुकेशन है उसमें काफी करप्शन होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए काफी बड़ी रकम दी जाती है और वो एक करप्शन का अड्डा है। हम ऐसा होप करते हैं कि ये जो नया मेडिकल कमीशन होगा जो कि हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेगा, ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होगा और इन सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ये खत्म करेगा। हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये जो बिल होगा ये रेगुलेट करेगा मेडिकल एजुकेशन को और ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज और डीम यूनिवर्सिटीज हैं उसके 40% जो सीट्स हैं उसके फी को भी रेगुलेट करेगा और उसमें कैपिंग लगाएगा। इससे काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है मेडिकल एजुकेशन में बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। द एनएमसी विल कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स। ये जो कमीशन होगा इसमें 25 मेंबर होंगे और जो एक सर्च कमिटी होगी वो इसके चेयरपर्सन और जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे उनको सिलेक्ट करेगी। देयर विल बी अ नेशनल लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन फॉर डॉक्टर्स टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस आफ्टर ग्रेजुएशन। दिस एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी द बेसिस फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। पहले क्या होता था, आपने MBBS किया और आपने रजिस्ट्रेशन किया बॉडी से और आपको लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक नेशनल लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा और इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन भी मिलेगा। तो ये काफी रिवोल्यूशनरी स्टेप है बिकॉज क्या होता था, बहुत सारे लोग कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे और वहां करप्शन होता था और वो किसी तरह से MBBS की डिग्री ले लेते थे और वो फिट नहीं होते थे प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारे जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन है वो काफी हैम्पर होता था। देखते हैं और क्या की फीचर्स हैं इस बिल में। फोर ऑटोनोमस बोर्ड्स हैव बीन सेट अप अंडर द सुपरविजन ऑफ NMC। दीज बोर्ड्स विल फोकस ऑन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, पोस्ट मेडिकल एजुकेशन, असेसमेंट एंड रेटिंग, इथिकल कंडक्ट। चार बॉडीज होंगी। एक बॉडी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, तीसरा कॉलेजेस के असेसमेंट करेगी और उसे रेटिंग देगी, और जो चौथी बॉडीज होगी वो अनएथिकल इथिकल कंडक्ट, मतलब जो डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए होगी कि वो इथिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। स्टेट मेडिकल काउंसिल विल रिसीव कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल और इथिकल मिसकंडक्ट अगेंस्ट अ डॉक्टर। इफ अ डॉक्टर इज एग्रीव्ड ऑफ अ डिसीजन ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल ही मे अपील टू सक्सेसिवली हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इस बिल में यह भी प्रदान किया गया है कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होगा वहां डॉक्टर अपने कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल लोग होंगे वो लोग डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं उसे जबरदस्ती फंसाया गया है और वो स्टेट मेडिकल काउंसिल के डिसीजन से खुश नहीं है तो अपने हायर अथॉरिटी में जो कि NMC होगी उसमें जाकर के अपील कर सकता है। देखते हैं और क्या इश्यूज हैं इस बिल के साथ, उसका थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 2/3 ऑफ द मेंबर इन द NMC आर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। एक्सपर्ट कमिटीज हैव रिकमेंडेड दैट द रेगुलेटर शुड कंसिस्ट ऑफ मोर डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। ये जो नई बॉडी होगी इसके 2/3 मेंबर्स डॉक्टर होंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, तो एक्सपर्ट कमिटी ने क्या सजेस्ट किया है कि जो रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए एक डाइवर्स ग्रुप होनी चाहिए बिकॉज रेगुलेटरी रेगुलेशन एक अलग आर्ट है रेदर देन मेडिकल प्रैक्टिस करना। सो ये कंसर्न है
दूसरा क्या कंसर्न है इस बिल से रिलेटेड, द एनएमसी विल डिटरमाइन फी फॉर अप टू 40% ऑफ सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। देयर हैव बीन अ वेरियस आर्गुमेंट ऑन फी कैपिंग बाय एक्सपर्ट्स। इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय सम एक्सपर्ट दैट फी शुड बी कैप्ड टू इनेबल एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल। सही बात है, अगर हम फी को कम करेंगे तो बहुत सारे लोग जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले, उन्हें आसानी से एडमिशन मिल पाएगा और वो पढ़ पाएंगे। On the other hand, मतलब जो दूसरी पार्टी वो क्या कहती है, it has also been suggested that fee capping would discourage entry of private colleges. Of course, अगर हम private colleges की fees कम कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम private college में जाकर के क्यों पढ़े, because सरकारी college के equivalent fee है तो हम try करके सरकारी college में जाएंगे। तो इसमें इस step से क्या होगा कि उसमें जो entry होगी वो कम हो सकती है, ये concern है। In case of professional and ethical misconduct by medical practitioners, the petitioner can appeal a decision of NMC to central government. It is unclear why the central government and not the judicial body is the appellate authority. अब जो है medical practitioner अगर कुछ misconduct करते हैं और NMC कुछ उनके खिलाफ फैसला देता है तो central government से appeal करेंगे। अब ये अनक्लियर है बिल में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों अपील करेंगे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एपिलेट अथॉरिटी तो है नहीं, कोई जुडिशियल बॉडी तो है नहीं, इस चीज का फैसला एक जुडिशियल बॉडी को करना। आइए देखते हैं इस बिल से रिलेटेड कुछ और इश्यूज। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सम कंट्रीज रिक्वायर पीरियोडिक टेस्टिंग टू इंश्योर दैट प्रैक्टिशनर्स रिमेन अप टू डेट फिट टू प्रैक्टिस एंड गिव गुड केयर टू पेशेंट्स। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां आपको अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता है, ये चेक किया जाता है कि आप अप टू डेट हैं या नहीं, आप मरीज का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि नहीं। इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक ग्रुप था जो ऐसा कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए था। द बिल प्रोसेस प्रपोजेज अ ब्रिज कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुष टू इनेबल देम टू प्रेस्क्राइब मॉडर्न मेडिसिन। इस बिल में एक ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं वो अगर इस कोर्स को पास कर लेंगे तो वो मॉडर्न मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर पाएंगे। अब जो ये है इस पे दो व्यू है। व्हाइल सम एम्फेसाइजेस द नीड फॉर ग्रेटर इंटीग्रेशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ मेडिसिन, कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा है कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्कूल ऑफ मेडिसिन है दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए और इससे काफी सफलता मिलेगी दोनों को इंटीग्रेट करने में। बट एक दूसरा ग्रुप है वो क्या कहता है, दिस स्टेप हार्मफुल फॉर द इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ आयुष। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आयुष को जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको इंडिपेंडेंटली डेवलप होने देना चाहिए, और अगर हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा और इससे क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन पे भी असर पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और किन लॉज या एक्ट पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।